तो अब सवाल ये नहीं है कि फोकस करना है या नहीं करना, वो तो सबको पता है, एक बच्चे को भी पता है कि फोकस करना चाहिए और फोकस करने की क्या पावर्स हैं और क्या होता है फोकस करने से। सवाल ये है कि इतने डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद भी आज के टाइम में अगर हमको फोकस करना हो तो कैसे करें? यस और नो? यस और नो? यस और नो? आज के टाइम में कैसे करें वो सवाल है। अगर हमको ये समझ आ जाए कि आज के टाइम में एग्जैक्टली फोकस कैसे करना है या बाकी के लोग कैसे कर रहे हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल, किसी भी इल्यूजन को सच कर सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं, अपनी रियलिटी बदल सकते हैं, इस दुनिया की रियलिटी बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं, इतनी पावर आ जाएंगी हमारे अंदर। मगर कैसे करना है? उसके सिर्फ दो तरीके, उसके सिर्फ दो तरीके हैं। एक ये है कि आप अपने बाहर के एनवायरनमेंट को चेंज करो, मतलब एक्सटर्नल जो आपके आसपास की चीजें हैं उसको बदल दो। जो स्पोर्ट्समैन और एथलीट्स करते हैं, एक एथलीट को अगर गोल्ड मेडल जीतना है ओलंपिक्स में तो वो क्या करेगा? घर पे बैठा रहेगा, पिक्चर में जाकर के पॉपकॉर्न खाएगा, या पूरा दिन बैठ करके ताश खेलेगा अपने घर वालों के साथ में गर्मियों की छुट्टियों में? क्या करेगा, क्या करेगा? मैक्सिमम टाइम स्टेडियम में स्पेंड करेगा, मैक्सिमम टाइम जहां पर उसके जैसे और बहुत सारे लोग हैं। वो नहीं भी चाहेगा तो वहां पर डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है, तो माइंड ऑटोमेटिकली फोकस होता चला जाएगा। तो एक रास्ता तो ये है कि हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज कर दें, मतलब कि अपने घर से निकल जाएं, अपनी फैमिली को छोड़ दें, या मैक्सिमम टाइम कहीं और स्पेंड करें। दिस इज वन वे। पर प्रैक्टिकली मैं आपसे पूछूंगा, यहां कितने लोग हैं जो अभी, मतलब एक दिन के अंदर अंदर अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं? है? बहुत कम लोग, बहुत कम लोग। प्रैक्टिकली मतलब ये कि जिस घर में आप रहते हो आप वहीं रहोगे, आप कहां जाओगे? घर छोड़ दोगे? नहीं। आप जिस ऑफिस में काम करते हो आप वहीं रहोगे? आप नहीं भी चाहो तो वहां पे पॉलिटिक्स की बातें हो रही होंगी, नेगेटिव बातें चल रही होंगी, आप बैठे होगे उसी एनवायरनमेंट में, तो आप फोकस क्या खाक करोगे? तो फोकस कैसे करेंगे? अब उसका एक दूसरा तरीका है। पहला तरीका था कि अपने बाहर के एनवायरनमेंट को बदलो, दूसरा है अपने अंदर के एनवायरनमेंट को चेंज कर दो। अपने अंदर हम बदल सकते हैं, इतने तरीके से बदल सकते हैं कि बाहर 100,000 डिस्ट्रैक्शंस भी होंगी तो उसका हम पर असर नहीं होगा, असर होना बंद हो जाएगा। सो सिंपल, मतलब अपने अंदर के एनवायरनमेंट को चेंज करना है। अब यहां तक भी समझ आ जाता है कि अगर हम अपने अंदर के एनवायरनमेंट को किसी तरीके से चेंज कर देते हैं तो काम हो गया, लेकिन कैसे करना है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके तीन बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, तीन स्टेप्स, उसमें आप अपने अंदर के एनवायरनमेंट को बदल सकते हो, इस हद तक बदल सकते हो कि उसके बाद में किसी भी डिस्ट्रैक्शन का आप पर कोई असर नहीं होगा। वो आएगा नहीं आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपना इल्यूजन को रियलिटी बना लोगे। उसका पहला स्टेप जो अभी आपने बोला था, वाई, कि फोकस क्यों करना है, या ये कहो कि फोकस करना भी है या नहीं करना। कई बार जरूरत ही नहीं होती फोकस करने की, अननेसेसरी हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वाई क्लियर होना चाहिए, मतलब ये कि जो भी आप करना चाहते हो या जिस चीज पे आप फोकस करने का सोच रहे हो, अपने जिस भी इल्यूजन पे, वो आप करना भी चाहते हो या नहीं, वो आवाज आपके अंदर से आ रही है या नहीं, या बाहर सुन करके कर रहे हो। सो सीधा सा फंडा है कि जो अंदर से हो वो करना है, उस पर फोकस, बाकी किसी चीज पे फोकस नहीं करना। तो वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो वाई क्लियर हो जाए उसके बाद क्या आता है? वेयर टू फोकस, राइट? व्हाट बोले हैं उसको हम, या वेयर बोले, व्हाट टू फोकस ऑन या वेयर टू फोकस। फॉर एग्जाम्पल, आप जाओ अपने घर से निकलो और जा करके एक ऑटो रिक्शा में बैठ जाओ और उसको बोलो भाई फटाफट ले चल मुझे, फटाफट ले चल, और बता कैसे लेके जाएगा। आपकी शक्ल देखा गया, भाई कहां से आयो, पहले ये तो बता जाना कहां है, जाना कहां है यही नहीं पता। मतलब व्हाट टू फोकस ऑन, वेयर टू फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाई टू फोकस। जैसे ही वो क्लियर हुआ, अंदर से आया करना है, बहुत बढ़िया, कहां फोकस करना है, वेयर टू फोकस। अब किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की, कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, बहुत लंबी लिस्ट है। और वो किसी को भी बैठ के कन्विंस कर सकते हैं, मुझे भी कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को कैसे कन्विंस करोगे यार, अपने आप को कैसे कन्विंस करोगे कि ये लिस्ट सच है। और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा।
क्योंकि उसका फोकस उन हजार बहानों पर नहीं है, उन हजार वजहों पर नहीं है, सही जगह पर है, जहां पर होना चाहिए वहां पर है, जो है उस पर है। तो अब हमको यहां तक भी समझ आ जाता है, हमारा स्टेप वन क्लियर हो गया कि वाई टू फोकस, स्टेप टू क्लियर हो गया वेयर टू फोकस, अब क्या आता है हाउ टू फोकस, राइट, हाउ टू फोकस, के भाई फोकस करना कैसे है, ये दोनों चीजें समझ आ गई, आपने ढूंढ ली अपने अंदर से, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, देख लिया कि ये चीज मेरे अंदर से आ रही है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, जो चीज मेरे पास है उस पर फोकस करना है। अब सवाल यह है कि फोकस करना कैसे है, कि अपने उस अंदर के एनवायरमेंट को चेंज कैसे करना है जिसकी मैंने बात करी। तो अब मैं आपको बताऊंगा अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं, कि प्रैक्टिकली लाइफ में काफी बार जो मैंने अपने इस अंदर के एनवायरमेंट को चेंज किया है वो कैसे किया है, क्या किया जिससे वो अंदर का एनवायरमेंट ऐसा बना कि ऑटोमेटिकली फोकस हो गया, मतलब मैंने फोकस करा नहीं, फोकस हो गया। सो वो कैसे हुआ, 2 साल पहले मेरे एक टेस्ट हुआ, एक डॉक्टर ने एक टेस्ट लिख करके दिया, और फाइनली जब वो टेस्ट कराया कोलेस्ट्रॉल का, तो पता लगा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो चुका था, मतलब डेंजर मार्क के ऊपर था। तब मेरे अंदर से आवाज आ गई, मतलब वो वाई क्लियर हो गया कि भाई अब तो करना ही है, करना है या मरना है, भाड़ में गया बिजनेस, भाड़ में गया सारा पैसा, क्या करूंगा इसका, मैं क्या करूंगा अगर हेल्थी नहीं है तो, सब बेकार है, सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। वो फंडा क्लियर हुआ, अंदर से आवाज आई कि करना है। अब सेकंड स्टेप था वेयर टू फोकस ऑन, मतलब कि एग्जैक्टली क्या करना है, क्या करना है, क्यों करना है क्लियर हो गया, बट क्या करना है। इस बार मैंने कोई जल्दी नहीं करी, मैंने कहा इस बार मैं बड़े आराम से करूंगा, रिसर्च करके, समझ करके, कि भाई अल्टीमेटली फोकस करना कहाँ है। ये कहना गलत होगा कि मैं हेल्थ पे फोकस कर रहा हूँ, हेल्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है, हेल्थ में मतलब क्या क्या करूंगा, 50 चीजों पे फोकस करूंगा। अगर ध्यान से आप उस केरली की कहानी को देखो तो उसने कितने गोल्स पे फोकस किया, 10 गोल पे 20 गोल पे, एक गोल पे, बस एक गोल उसको बिल्कुल क्लियर था कि यहां फोकस करना है और वहां करना है, बस और कुछ भी नहीं। तो मेरे को वो एक गोल चाहिए था कि वो एक गोल क्या होगा। तो जब पढ़ा तो समझ आया कि जो बेसिक फंडा था इसका हेल्थ का, या जो मेरा बेसिक रूट कॉज था, वो क्या था कि जब भी वेट बढ़ता है उसके पीछे सिंपल सा एक रीजन होता है कि अगर हम जितनी हमारी भूख है उससे ज्यादा खाएंगे तो वेट बढ़ेगा, कम खाएंगे तो वेट कम होगा। सिंपल सा फंडा है जिसको कैलोरीज बोलते हैं, इंग्लिश में कैलोरीज बोलते हैं, सारा खेल उसका है। तो वो चीज समझ आ गई, और फिर जब थोड़ा सा और पढ़ा तो समझ आया कि इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब एग्जैक्ट मैं वहां तक पहुंच गया। सोल्यूशन बहुत ही सिंपल था, सोल्यूशन ये था कि अगर मैं अभी धीरे खाने लग जाऊं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फिर जब नेट पे गया, मैंने जा करके एक सिंपल सी लाइन सर्च करी, बेनिफिट्स ऑफ चूइंग योर फूड 32 टाइम्स, हजारों पेज आ गए। हमको इंडिया में पता नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली इस सिंपल से फंडे के ऊपर पता नहीं कितनी रिसर्च हो चुकी है, साइंटिफिकली कितनी रिसर्च हो चुकी है, और उसमें टेक्निकली बताया हुआ है कि एग्जैक्टली क्या होता है। कि अगर अगर एक एक सिंपल लाइन में बताऊं कि जो जब हम खा रहे होते हैं तो हमारे पेट से हमारे माइंड तक सिग्नल पहुंचने के लिए कि हमारा पेट भर गया है उसमें 20 मिनट लगते हैं, साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया है कि 20 से 25 मिनट लगते हैं। और जब हम इमोशनल ईटिंग कर रहे होते हैं, मतलब जब हम मन की भूख मिटाने के लिए खा रहे होते हैं, तो हम 10-15 मिनट में सब खत्म कर देते हैं। तो जब तक 20 मिनट होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जो हमारे सबके साथ में हो रहा था, मेरे साथ भी हो रहा था। तो मुझे समझ आया अगर किसी तरीके से मैं 32 बार चबाऊं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व, ना किसी एक्सरसाइज की जरूरत, ना डाइटिंग की जरूरत, ना कुछ और करने की जरूरत, सिर्फ धीरे खाना है, सब सॉल्व। मैंने कहा मिल गया जहां पे फोकस करना है, वेयर टू फोकस ऑन, गोल मिल गया, मतलब सिर्फ इस 32 पे फोकस करना है, और बहुत एक्साइटेड। जैसे ये चीज क्लियर हो गई, अब सिर्फ एक चीज रह गई, हाउ टू फोकस, कि फोकस कैसे करना है। उसमें कभी दिमाग ही नहीं लगाया, किसी ने बताया ही नहीं कि कैसे करना है। मैं उसी दिन घर पे जो डिनर था उसको धीरे धीरे खाने लगा, टीवी ऑफ किया, धीरे धीरे 32 बार चबाया, धीरे धीरे खाया, बड़ा खुश एक्साइटेड कि यार मैंने तो कर दिया, अब शुरू कर दिया, आप देखो कितना मजा आएगा। उसके बाद में अगले दिन फिर से ब्रेकफास्ट में वही 32 टाइम्स, फिर से लंच में वही, डिनर में वही, और ये काफी दिन तक चला। कोई आइडिया कितने दिन चला होगा ये? 3 दिन। 3 दिन, सच बता रहा हूं, 3 दिन। 3 दिन बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ।
मतलब साहब भूल गया, अगले दिन मेरा मन भी नहीं कर रहा था 32 बार चबाने का, मन भी नहीं कर रहा था। मैंने कहा बेकार है यार ये सारी चीज़ें। 10-15 दिन निकल गए, लाइफ बैक टू नॉर्मल, वही सब वैसे ही चल रहा था, सब माइंड से सब फंडा निकल गया 32-32 का। अब मुझे जवाब मिला कि कैसे फोकस करना है, हाउ टू फोकस अगेन स्पोर्ट्स से। मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, वहाँ पर इंटरव्यू था टाइगर वुड्स का। टाइगर वुड्स का नाम सुना है सबने? ऑल्दो नाउ वी ऑल नो हिम बिकॉज ऑफ ऑल द रॉन्ग रीजंस, बट स्टिल टाइगर वुड्स इस दुनिया का बेस्ट गोल्फ प्लेयर। गोल्फ के अंदर जो टाइगर वुड्स के अंदर पोटेंशियल है वो और किसी में नहीं है, सब लोग मानते हैं। सो उसका इंटरव्यू पढ़ रहा था और उसमें उसने एग्जैक्टली बताया था हाउ टू फोकस, कि वो क्या करता है। मैंने पढ़ा और मैं हिल गया, बहुत सिंपल सी चीज़ थी। अब मेरे को ऐसी सिंपल सिंपल चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है, जो कॉम्प्लिकेटेड बातें होती है ना वो मेरे ऊपर से निकल जाती है। तो सिंपल सी चीज़, वो कहता है कि जब भी मुझे एक शॉट मारना होता है तो मैं पहले होल की तरफ देखता हूँ, फिर बॉल की तरफ देखता हूँ। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सी चीज़ है। होल की तरफ देखता हूँ, बॉल की तरफ देखता हूँ, होल की तरफ देखता हूँ, बॉल की तरफ देखता हूँ, होल की तरफ देखता हूँ, बॉल की तरफ देखता हूँ। और कहता है तब तक देखता रहता हूँ, तब तक देखता रहता हूँ जब तक कि मेरे माइंड के अंदर एग्जैक्ट पिक्चर ना बन जाए, वो फिल्म ना बन जाए कि वो बॉल उस होल के अंदर जा रही है। मतलब तब तक देखता रहता हूं जब तक वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, तब तक मैं शॉट नहीं मारता। लोग क्या गलती करते हैं, उससे पहले शॉट मार देते हैं या उस पिक्चर को बनाते ही नहीं हो शॉट मार देते हैं। जैसे ही ये पढ़ा मैं हिल गया, मैंने कहा यार कमाल हो गया, ये फंडा तो मुझे पता था, इसमें कुछ भी नया नहीं था। और मजे की बात सिर्फ पता ही नहीं था, इसको मैं पहले अपनी लाइफ में कई बार अप्लाई कर चुका था, लेकिन बिजनेस में, हेल्थ में नहीं, बिजनेस में अपने काम में इस फंडे को एग्जैक्ट मैं अप्लाई कर चुका था। लेकिन मैंने सोचा कि वो तो एक अलग, मतलब कई बार आता ही नहीं है, माइंड में आता ही नहीं है कि हाँ हम वो सब कुछ जानते हैं, तब एकदम से याद आता है, कोई बंदा आता है वो याद दिला देता है आकर के कि ये चीज करनी है। मैं भागता हुआ गया और अपने टेलीविजन के नीचे एक ड्रॉअर है उसको खोला, उसमें से जा करके एक सीडी निकाली। वो सीडी थी मेरे फेवरेट सॉन्ग की, लक्ष्य मूवी का एक गाना है, आप सबने सुना होगा। आपने अगर मेरा IIT का वीडियो देखा है तो उसमें भी मैंने बताया था उस गाने के बारे में। अब मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ वो काम कैसे करता है। तो उस गाने की सीडी को निकाला और उसको प्ले कर दिया और लूप में बार 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 सुनने लगा, सुनने लगा। इस बार मुझे समझ आ चुका था, जवाब मिल चुका था कि मैं पिछली बार क्या गलती करता था या हमेशा जिंदगी में मैंने क्या गलती करी जब भी मैं फेल हुआ। तो मेरे को पता लग गया था कि अब इस बार वो गलती नहीं होने वाली और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि अब तो अचीव होगा ही होगा। तो अब ये बिल्कुल क्लियर था कि अब मैं 32 बार नहीं चबाऊंगा तब तक जब तक मेरे माइंड के अंदर वो पिक्चर नहीं बन जाती कि मैं धीरे धीरे खा रहा हूं, चाहे उस प्रोसेस में 2 दिन लगे, चाहे 4 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, मैं नहीं करूंगा, मैं इस चीज को शुरू ही नहीं करूंगा। मतलब वो शॉट मारूंगा ही नहीं, उस शॉट को मारूंगा ही नहीं, बस देखता रहूंगा, देखता रहूंगा, देखता रहूंगा। और वही किया, उस गाने को 5 बार सुना, 10 बार सुना, 20 बार सुना एक दिन में, सुनते 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 माइंड में सिर्फ एक गोल, सिर्फ एक टारगेट, 32। सुनने में अजीब लग रहा होगा, 32 बस, कि मैं 32 बार चबा रहा हूं। अजीब सी चीज, अजीब सी, करता रहा करता रहा। और फिर जा करके कुछ पेपर्स लिए, उस पर बड़ा बड़ा लिखा 32, ले जा करके अपनी अलमारी के अंदर, अपने लैपटॉप बैग के अंदर, अपनी गाड़ी के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, ताकि जहां भी जाऊं मुझे वो दिखे, वो दिखे। उसके बाद में एक बुक जो मैं पहले से पढ़ चुका था इस चीज के बारे में कि धीरे धीरे कैसे चबाते हैं, कैसे खाते हैं, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, कि बिना डाइटिंग के और बिना एक्सरसाइज के हम किस तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं। इस बुक का नाम है आई कैन मेक यू थिन बाय पॉल मकैना। उस बुक को जो मेरी बुक शेल्फ में ही पड़ी हुई थी उसको निकाल करके लाया। इस बार मैंने ठान लिया कि इसको 3 बार पढ़ूंगा, जब तक 3 बार इसको पढ़ पढ़ के खत्म नहीं कर लेता इसको छोड़ूंगा नहीं। इस बुक को पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। धीरे 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 मेरे अंदर का एनवायरमेंट चेंज होने लगा, अंदर का जो एनवायरमेंट था जिसकी मैंने बात करी थी वो बदलने लगा। मतलब इस तरीके से बदलने लगा कि मेरे को बिल्कुल पिक्चर क्लियर होती चली गई कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। पहले मैं बिना उस एनवायरमेंट को क्रिएट करे जाकर के करने की कोशिश करता था और फेल हो जाता था, बिना उसकी पिक्चर क्रिएट करे शॉट मारता था और वो शॉट इधर उधर चला जाता था, सीधा उस होल में नहीं जाता था। तो इस बार वो क्लियर होने लगा और चौथे दिन, चौथे या पांचवें दिन
एकदम से एक बड़ा अजीब सा थॉट आया मन में कि मुझे जिस थाली में मैं खाता हूं उसी में मुझे छेद करना पड़ेगा। एक प्लेट उठाई और सामने से चाकू गरम किया, उधर से मेरी वाइफ देख रही थी, कहती क्या प्लान है भाई? नहीं नहीं नहीं, तू टेंशन मत ले, प्लेट पे अपना चाकू गरम किया पूरा ऐसे करके, और ऐसे ऐसे करके उसमें यह कर दिया, मतलब पूरा होल्ड कर दिया, बस मतलब यहां से पूरा अच्छे से वो करके होल्ड किया। मैंने कहा कि जिस टाइम पे मैं खा रहा होऊंगा उस टाइम पे मेरे सामने ये होना चाहिए, मतलब लिखा हुआ दिखना चाहिए, ये मुझे घूर रहा होना चाहिए, मैं इसको देख रहा हूं और ये मुझे देख रहा है। दूसरा फायदा जो मुझे समझ आया था कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, ये तो है ही कि मैं ज्यादा खाता हूं, लेकिन ज्यादा क्यों खाता हूं? क्योंकि हम इंडियंस के दिमाग में एक बड़ी अजीब सी चीज भरी हुई है बचपन से लेकर आज तक कि बेटे खाने को कभी झूठा मत छोड़ना। है ये दिमाग में, चाहे पेट खराब हो जाए लेकिन खाने को झूठा मत छोड़ना। तो समझ आ रहा था कि जब मैं नॉर्मल प्लेट में खाता था पहले, तो उसमें क्या होता था कि लिया, जैसे दाल चावल है तो लिया और भर दिया अच्छे तरीके से, जैसे अब दोबारा मिलना ही नहीं है, जैसे बाकी के घर वाले सब खत्म कर देंगे, ऐसा होता है हम सबके साथ में, जितनी भूख है उससे ज्यादा ले लिया, आदत पड़ी हुई है, आदत पड़ी हुई है, तो ज्यादा भर दिया। अब इसमें वो नहीं हो सकता था, ये बात क्लियर थी, मतलब इसमें अगर मुझे खाना है तो मुझे क्या करना है, थोड़े से चावल डाले, थोड़ा सा दाल और फिर खाया, नहीं तो यहां से निकल जाएगा, पूरी टेबल गंदी हो जाएगी और फिर मेरे को डांट पड़ेगी घर में। तो मैंने कहा कि यार यह फंडा सही है, ये ही करना है, एग्जैक्ट यही करना है, और इसको करना शुरू किया और करता रहा करता रहा करता रहा, क्योंकि मैं उस जोन में था तो मैंने इस प्लेट को छोड़ा नहीं। बीच में एक दो बार थॉट भी आया कि क्या बेकार की चीज है, उठा के डस्टबिन में डालो ना, जब घर पे सब मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते ये क्या कर रहा है, क्या है ये, इससे क्या होगा, ये तो बड़ी अजीब सी चीज है, अगर करना है तो पार्क में जाकर के दौड़ लगाओ। मैंने कहा रुको तो सही, रुको तो सही, देखो तो सही क्या हो रहा है, एक इल्यूजन रियलिटी बनने ही वाली है, बनने ही वाली है। और वही हुआ, उसके कुछ महीने के अंदर अंदर ऐसे चेंजेस आए बॉडी के अंदर जो मुझे खुद ही यकीन नहीं हुआ कि हो क्या रहा है, कि कैसे हो रहा है, और सब कुछ बदल गया। जो वेट मेरा, सुनने में छोटी लग रही होगी लेकिन मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस अगर आप मुझसे पूछो क्या है तो वो ये है, फ्रॉम 83 टू 84 केजीज टू 67 केजीज आज के टाइम में। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये चीज पहले की तरह नहीं है। पहले क्या होता था, मैंने वेट लॉस तो कर लिया, दो महीने में वापस से बैक टू नॉर्मल लाइफ, वापस से उससे ज्यादा वेट हो जाता था, मतलब पहले जितना था उससे भी ज्यादा हो जाता था, अब मेंटेन्ड है। क्यों? क्योंकि जड़ ही खत्म हो गई ना, अब मेरे को इस प्लेट की जरूरत नहीं है, मैं इसमें नहीं खाता। अब ये मत समझो मैं रेस्टोरेंट में ले जाकर के 32 में खाता हुआ देखूंगा आपसे यार। तो इसको छोड़ दिया, छूट गई ये प्लेट, लेकिन मेरी आदत बदल चुकी है। अब अगर मैं चाहूं भी तो मैं जल्दी नहीं खा सकता, मुझे आधा घंटा चाहिए ही चाहिए अपना खाना खत्म करने के लिए, और जब नहीं खा सकता तो प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व, जड़ से खत्म। तो अब अगर आप एग्जैक्टली देखो मैंने क्या किया, मैंने आपको बता दिया, सब बता दिया कि कैसे किया, क्या किया और वो किस तरीके से काम किया, और इस फंडे को लाइफ में एक बार नहीं, मैं पता नहीं कितनी बार लगा चुका हूं, कितनी बार अलग अलग चीजों में, कि जा करके एक ऐसा जोन क्रिएट करता हूं जहां जा करके सब कुछ आसान लगने लग जाता है और फिर सब चीजें अपने आप होने लग जाती, और वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि फिर आपके आगे हजारों लाखों लोग भी आकर के खड़े हो जाए ना और बोले ये नहीं हो सकता, तो अंदर से आवाज देते हैं चलना, चल यहां से, ये होगा। होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, आप उस पीक स्टेट में होते हो जहां पर आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया कि ये क्या करना है, कि अपने एक इल्यूजन को चुनना है, उस पर पूरा फोकस करना है, तब तक करना है, तब तक करना है, उस काम को करना नहीं है, सिर्फ फोकस करना है, और जब आप फोकस करते रहो करते रहो करते रहो और आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाएगी ये चीज होगी, तब उसको करना शुरू करना है, और तब जब आप उस काम को करोगे तो वो हो जाएगा। ये थी पूरी की पूरी प्रोसेस।